नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवन सी हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। धर्मशाला में सत्ता परिवर्तन रैली के साथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रैली में पार्टी दिग्गजों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी श्याम जाजू ने अलग अलग जिलों में बैठकों का दौर किया शुरू, तो वहीं प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री सुभाष शर्मा ने केंद्र पर लगाया प्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप। खाकी का घिनौना चेहरा फिर आया सामने। शिमला में बेकसूर युवक को शराबी पुलिस कर्मियों ने बर्बर तरीके से पीटा। इस कार्रवाई के खिलाफ जनवादी नौजवान सभा ने चौकी के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। राजधानी में एक बार फिर इंद्रदेव हुए मेहरबान। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तो वहीं रोहतांग दर्रे में भी रुक रुक कर हो रहे हिमपात का नजारा देखने के लिए सैलानियों का लगा जमकर। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश भर में चार सत्ता परिवर्तन रैलियां आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने वीरवार को धर्मशाला में सत्ता परिवर्तन रैली आयोजित की। इस रैली में कांग्रेस के दिग्गजों ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इस रैली में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स व हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तेवर तल्ख हैं। कांग्रेस ने वीरवार को धर्मशाला में सत्ता परिवर्तन का बिगुल भी फूंक दिया है। एक दूसरे से दूरी रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस रैली में एक मंच पर नजर आए। रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार अब तक की सबसे निकम्मी सरकार रही है। भाजपा सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुँच गया है। इसलिए इसका नाम रखा है, इसलिए नाम रखा है कि जो वर्तमान भ्रष्ट सरकार है, आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार, जो धुमक सरकार है, उसको हमने बदलना है, उसको सत्ता से हटाना है। और सत्ता से हटाने के लिए आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान होगा। आज धुमक सरकार, आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कांग्रेस पार्टी तो 4 साल से बात कर रही है कि धुमक सरकार ने हिमाचल के हितों को बेचा है, धुमक सरकार ने हिमाचल की जमीनों को बेचा है, धुमक सरकार ने हिमाचल के बिजली के प्रोजेक्ट बेचे हैं। वहीं इस रैली को संबोधित करते हुए हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में भू माफिया का बोलबाला रहा है। ये वो अगर दोबारा सत्ता की लालसा करते हैं, दोबारा से हिमाचल की इस धरोहर को लूटने जाते हैं, तो कांग्रेस उसको लूटने नहीं देगी। और हम हिमाचल की जनता से वादा करते हैं कि उनको धूल चटाएंगे, हराएंगे और कांग्रेस का राज करने के बैठते हैं कि कौन सा सौदा किस जमीन का कैसे करना है। एक व्यापारिक दृष्टिकोण बना के बैठते हैं और ऐसी पार्टी को सिर्फ हिमाचल में नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में राज करने का अधिकार नहीं। इस सरकार के समय में कई घोटाले उजागर हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार का जाने का समय आ चुका है। धर्मशाला रैली में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में एकजुटता दिखी। इसके बाद कांग्रेस नाहन, मंडी व हमीरपुर में रैलियां करने जा रही है। धर्मशाला से नृपजीत सिंह, सेवन सी हिमाचल आजकल। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी श्याम जाजू ने विभिन्न जिलों में बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में श्याम जाजू ने चंबा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जिला में चुनावों के लिए रणनीति तैयार की। इस मौके पर श्याम जाजू ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए विकास कामों को बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी श्याम जाजू ने विभिन्न जिलों में बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में श्याम जाजू ने चंबा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर जिला में चुनावों के लिए रणनीति तैयार की। इस मौके पर श्याम जाजू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास किया है।
श्याम जाजू ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेट्रोल के दामों की गई बढ़ोतरी को आम जनता पर बोझ करार देते हुए कहा कि इसके विरोध में 22 जून को देश भर में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल के मूल्य वृद्धि की है वो पूरी की पूरी जब तक वापस नहीं होगी हमारा एजिटेशन चलता रहेगा। आने वाले दिनों में सभी जगह जाकर इसका जन जागरण का कार्यक्रम हमने अपने हाथ में लिया है और आने वाले 22 तारीख को देश में, पूरे देश में, हिमाचल में भी सभी जगहों पर जेल भरो आंदोलन कर हम अपनी प्रतिक्रिया उसमें व्यक्त करने वाले हैं। पुनीत मल्होत्रा, चंबा 7C, हिमाचल आजकल। पूर्व राज्यसभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विप्लव ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। बाहरी राज्यों के लोग सरकार से मिलीभगत करके यहां की जमीनें खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री राजीव बिंदल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, मगर सरकार इसकी जाँच करवाने से कतरा रही है। विप्लव ठाकुर ने कहा कि देहरा इलाके का विकास केवल कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुआ है और आज भी, और लैंड माफिया पूरी तरह हावी है। कोई यूनिवर्सिटी के नाम से लैंड खरीदी जा रही है, किसी के नाम से लैंड खरीदी जा रही है, बेनामी। आज अगर पूरी तरह से, ठीक तरह से इंक्वायरी हो तो सबसे ज्यादा बेनामी लैंड जो है वो इस समय में खरीदी गई। अब राजीव बिंदल के खिलाफ FIR दर्ज है, उसका मुकदमा चलाने के लिए क्यों नहीं परमिशन दे, किस लिए वो रोकी हुई है? क्योंकि खुद उसमें इनका, यही कहूंगी कि कोई दाल काला है जिसके लिए राजीव का एक फॉर्मेलिटी की रेजिग्नेशन लेने की, लेकिन बाद में जो है रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की। प्रदेश के अन्य स्थानों की तरह मंडी में भी सूखे से पेयजल संकट गहरा गया है। जिले में इससे करीब 82 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने जिला प्रशासन व सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य महकमे को पानी की आपूर्ति के लिए जल्द ही टैंकरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। गुलाब सिंह ठाकुर ने ये निर्देश मंडी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दिए। मंडी जिले के विभिन्न स्थानों से पानी की आपूर्ति करवाने के लिए 81 टैंकरों की मांग आई है। प्रशासन अब इन स्थानों के लिए टैंकरों से पानी की आपूर्ति करेगा। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह मंडी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों को पानी की आपूर्ति करने के लिए टैंकरों की व्यवस्था शीघ्र करने के भी आदेश दिए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में गुलाब सिंह ठाकुर का कहना था कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हिमाचल देश भर में पिछले 2 सालों से पहले स्थान पर आ रहा है। मंडी जिला में भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सभी निर्धारित लक्ष्य 100% हासिल कर लिए गए हैं। इसके बाद गुलाब सिंह ने पिछड़ा क्षेत्र उप योजना की बैठक की भी अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के लिए जिला मंडी को 1,69,00,000 रुपए की धनराशि हासिल हुई है, जिसे विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा पानी के लिए टैंकरों की व्यवस्था करने से जिले के लोगों को काफी राहत मिलेगी। 12 और 13 का चला है, उसकी समीक्षा भी होगी। कमजोर, आर्थिक तौर से पिछड़े हुए लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए एक उपेक्षित समाज के उत्थान के लिए ये 20 सूत्री प्रोग्राम बरसों से चल रहा है, सारे देश में चल रहा है। उसको कार्यान्वयन करने के लिए मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, जिसका श्रेय आप सभी लोगों को जाता है, पिछले 2 वर्षों में 20 सूत्र प्रोग्राम में हिमाचल प्रदेश देश के प्रथम राज्य में आया है। बधाई आप। मंडी से अंकुश सूद, 7C, हिमाचल आजकल। प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री सुभाष शर्मा ने केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। बिलासपुर में उन्होंने कहा कि जिले को विस्थापितों का शहर माना गया है, लेकिन यहां के विस्थापितों को आज तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 18 जून से जिला मुख्यालय पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया जाएगा।
प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री सुभाष शर्मा ने केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। केंद्र की यूपीए सरकार हिमाचल को उसके हक से वंचित रख रही है। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिलासपुर को विस्थापितों का शहर माना जाता है, लेकिन यहाँ की विस्थापितों को आज तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 18 जून को जिला मुख्यालय पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया जाएगा। आज ये जो प्रेस वार्ता रखी है, उस प्रेस वार्ता में मेन मुद्दा हमारा ये है कि जो केंद्र की कांग्रेस सरकार है वो हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव कर, वो केवल एक विषय को लेकर नहीं, हजारों सैकड़ों विषयों को लेकर हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है। जिसके उदाहरण थे हमारा BBMB का जो 4000 करोड़ रुपए का सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ, उस निर्णय होने के बावजूद भी केंद्र सरकार का नकारात्मक है। जो 4000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिलता तो उससे हिमाचल प्रदेश का विकास की गति और तीव्र होती। कुलभूषण चब्बा, बिलासपुर, 7C हिमाचल आजकल। और अब प्रदेश के बागवानों के लिए एक अच्छी खबर। हिमाचल में इस बार सेब की अच्छी फसल होगी। प्रदेश के बागवानी विभाग ने सेब उत्पाद की रिपोर्ट तैयार कर दी है। बागवानी रिपोर्ट मुताबिक इस बार राज्य में करीब 3.25 करोड़ सेब की पेटियों के होने की उम्मीद जाहिर की गई है। पिछले साल प्रदेश में केवल 1.37 करोड़ सेब की पेटियां हुई थी। हिमाचल में हर साल प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2200 करोड़ का कारोबार किया जाता है। प्रदेश में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जुलाई के पहले हफ्ते में सेब सीजन शुरू हो जाएगा। पिछले साल के मुकाबले इस बार हिमाचल में सेब की बेहतर फसल होगी। बागवानी विभाग ने सेब की फसल के उत्पादन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार प्रदेश में करीब 3 करोड़ सेब की पेटियां होने का आंकलन किया है। पिछले साल केवल 1.37 करोड़ सेब की पेटियां हुई थी। अप्रैल माह में ज्यादा ठंड से कुछ क्षेत्रों में होने से सेब की फसल को नुकसान भी हुआ। बागवानी विभाग के विपणन अधिकारी डॉक्टर SK चौधरी ने कहा कि इस बार सेब की अच्छी पैदावार होगी। हिमाचल प्रदेश में उत्पादन हुआ था, इस साल कुछ इससे बेहतर उत्पादन की आशा है। हिमाचल में करीब 1 लाख हेक्टेयर में सेब की पैदावार की जाती है। प्रदेश के बागवानी विभाग ने शिमला समेत कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर व सिरमौर जिला में तैनात फील्ड अधिकारियों से सेब की फसल का आकलन करवाया और इसके आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार की है। हिमाचल में सेब की फसल के कुल उत्पादन की 60% पैदावार अकेले शिमला जिले में ही होती है। 2.94 करोड़ जो पेटियां उसका अनुमान है हमारा डिपार्टमेंट का, परंतु ये जो जून ड्रॉप है इसमें कुछ थोड़ा अनुपात इसमें कम हो सकता है। तो और अभी जून ड्रॉप भी अभी इसके आंकड़े हम प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें मेरे आईडिया में 2.75 करोड़ पेटी जो है वो हो जाएगी। जिला शिमला में जो है वो हमारे जो है कोई 55% या 60% जो सेब है वो जिला शिमला में उत्पादन होता है, और इस साल भी 1.56 करोड़ पेटियां होने का अनुमान है। हिमाचल में सेब की अच्छी पैदावार से बागवानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। इस बार सेब की फसल से बागवानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। भूपेंद्र चौहान, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। टू बिल्ड अ ट्री फ्रॉम अ सिंगल सीड हुज लीव्स रीच आउट टू द एंटायर स्काई, टू बिल्ड अ फ्यूचर फ्रॉम अ सिंगल माइंड व्हिच रीचेस आउट टू द एंटायर वर्ल्ड एट इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318 797 101 42 43. Website
www.iiuedu.in, email info@iiuedu.in, SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। राजधानी पुलिस का एक युवक पर कहर बरपा। बुधवार रात पुलिस ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर डाली। युवक का कसूर केवल इतना ही था कि उसने पुलिस वालों से दो युवकों के साथ की जा रही मारपीट की वजह पूछ डाली। इस पर भड़के पुलिस वालों ने युवक को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने शराब पी हुई थी। पुलिस की इस बर्बरता के खिलाफ जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने चौकी के बाहर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संजोली निवासी रवि समर फेस्टिवल का कार्यक्रम देखने के बाद रात को अपने घर जा रहा था। लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी में उसने पुलिस वालों को दो युवकों की पिटाई करते देखा तो उसने इसकी वजह जाननी चाही। रवि का आरोप है कि इससे पुलिस वाले भड़क गए और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर चौकी के बाहर छोड़ दिया। युवक ने फोन कर इसकी सूचना परिवार वालों को दी तो वे उसे IGMC ले गए। इस घटना के विरोध में जहां नौजवान सभा ने चौकी के बाहर धरना दिया, वहीं पीड़ित युवक की मां ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हुए हैं दो तीन लड़कों को मार रहे थे पुलिस वाले। उन पुलिस वालों में से एक लड़का जानने वाला था, उससे उसके साथ बात करने लगा ना मैं। बात करते हुए वो जो दो और पुलिस वाले थे उन्होंने आके मेरे को पकड़ा और मारते हुए चौकी ले गए। बस फिर मैंने वहाँ जाके पूछा, मैंने मेरे को मारा क्यों? बस बोले ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करने वाले, अभी छोड़ रहे थे बोले, नहीं तो यही रखेंगे अंदर रात भर। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। उसके दोस्त साथ थे, एक दो बच्चे छोटे, उन्होंने देखा कि पुलिस वाले ने मारा। बल्कि जो होम गार्ड या लड़का उसके साथ जो बात कर रहा था वो खुद बोल के गया कि भाई इसको नहीं मारना, इसने कुछ नहीं किया लड़के ने। साफ चाहते हैं जी, जो हमारे बच्चे के साथ हुआ कल किसी के और बच्चे के साथ भी होगा यही। उधर चौकी प्रभारी रतन कुमार का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिरे पर अगर कोई ऐसी फ्रैक्चर नुमा कोई वस्तु पाई जाएगी उसमें फर्दर सेक्शन का एडिशन करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो बताया जो इनको छोड़ गए हैं ये कांस्टेबल बटालियन से टेम्परेली डिप्यूटेड फॉर दी समर फेस्टिवल ड्यूटी। पंकज कांस्टेबल है, शायद 6th IRB का है और एक शायद चौकी का ही संजीव कुछ ऐसे नाम का लड़का है। उनसे भी इस बारे पूछताछ की जाएगी। जिसका भी जो इसमें रोल रहेगा, अगर उसके पीटने में जो भी पुलिस कर्मचारी इसमें संलिप्त रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस की इस बर्बरता से पीड़ित युवक के परिजन व रिश्तेदार सहमे हुए हैं। पुलिस की इस कहर के इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C हिमाचल आजकल। हमीरपुर व कांगड़ा की सीमा पर स्थित सुजानपुर के पास भलेट में स्कूली बच्चों को ले जा रही एक मैक्स कैब पलट गई। इससे वैन में बैठे 17 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को तुरंत सुजानपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 9 बच्चों को हमीरपुर अस्पताल रेफर किया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर PR कटवाल ने कहा कि घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। चोरबाला के पास, और इसमें गाड़ी में जो थे वो 17 बच्चे जो थे वो सवार थे। सभी को जो है हल्की चोटें आई, उनमें से 9 जो बच्चे थे उनको हमीरपुर हॉस्पिटल के लिए तुरंत रेफर कर दिया गया। प्रदेश सरकार की तरफ से प्रस्तावित बातचीत रद्द करने पर परिवहन निगम के कर्मचारी भड़क गए हैं। सरकार ने इन कर्मचारियों को वीरवार सुबह 11 बजे बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन ऐन वक्त पर सरकार ने ये बातचीत रद्द कर दी। इस संबंध में कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने कहा कि वार्ता रद्द करने से साफ हो गया है कि सरकार कर्मचारियों से कोई भी बातचीत करने की मंशा नहीं रखती। प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित वार्ता रद्द करने पर परिवहन निगम के कर्मचारी भड़क गए हैं। सरकार ने इन कर्मचारियों को वीरवार सुबह 11 बजे वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन ऐन वक्त पर सरकार ने यह वार्ता रद्द कर दी।
इससे नाराज परिवहन कर्मचारियों ने परिवहन निगम के मुख्यालय पर गेट मीटिंग की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर परिवहन कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने कहा कि ऐन वक्त पर वार्ता रद्द करने से साफ हो गया है कि सरकार की कर्मचारियों से बातचीत करने की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार परिवहन कर्मचारियों की मांगे मानने की बजाय उनको झूठे आश्वासन दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस रवैये के चलते कर्मचारियों के पास अब आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। सरकार की ओर जिस जो निमंत्रण हमें मिला उसकी कॉपी मैं पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ये पत्र हमें मिला है, आज 11 बजे वार्ता के लिए बुलाया गया था हमें, और इसके बाद दूसरा इसी सरकार की ओर से एक दूसरा पत्र मिला। ये पत्र 12 बजे का मिला। अब कहा जा रहा है कि आज की बैठक कैंसिल है। ये सरकार हमारे से छल कपट कर रही है, ये सरकार हमारे से धोखा कर रही है। लेकिन मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ, परिवहन कर्मचारियों के इस संगठित आंदोलन से हिमाचल प्रदेश की सरकार को हिला कर रख दिया है। सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर इन कर्मचारियों को, इन आग के गोलों को, इन आग बरसाने वालों को, इन आग की चिंगारियों को अगर चूल्हे के अंदर ये रहे तो इस सरकार के लिए उपयोगी है, अगर चूल्हे से बाहर हुए तो इस सरकार को तबाह करके रख देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय परिवहन मजदूर संघ का 2 दिवसीय सम्मेलन राजधानी शिमला में शुरू हो गया। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महासंघ के अध्यक्ष चेतन देसाई ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते परिवहन निगम की वित्तीय हालात खराब हो गई है और देसाई मुताबिक ग्रामीण रूटों पर भी बसें नहीं चलाई जा रही। यहाँ जो अभी स्टेट ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट की हालत पूरे देश में बहुत खराब है, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कैपिटल कंट्रीब्यूशन देके और बजेटरी सपोर्ट देके स्टेट ट्रांसपोर्ट को चलाना चाहिए, क्योंकि स्टेट ट्रांसपोर्ट हर गांव में गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी के लिए जाता है और शहर में लाता है, तो कम प्राइस में शोषण न हो और अच्छी सुविधा मिले, इस हेतु से रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट बनाया गया है, उसको बनाए रखना चाहिए। और अब बात करते हैं शिमला के सुहावने मौसम की। वीरवार को एक बार फिर पर्यटन नगरी शिमला में एकाएक मौसम ने पलटी मारी और झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे स्थानीय लोगों व पर्यटकों को गर्मी से राहत मिली। वहीं मनाली के रोहतांग दर्रे पर भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी को देखने के लिए सैलानियों का तांता यहाँ उमड़ रहा है। राजधानी शिमला में एकाएक मौसम ने करवट बदली। वीरवार को एक बार फिर पर्यटन नगरी शिमला में झमाझम बारिश हुई। स्थानीय लोगों व पर्यटकों को गर्मी से राहत मिली। बारिश होने के साथ ही शिमला का मौसम भी सुहावना हो गया है। शिमला का मौसम ठंडा होने की खबर मिलते ही मैदानी इलाकों से पर्यटकों ने पहाड़ों की ओर रुख कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से शिमला में पर्यटकों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। शिमला घूमने आए सैलानी भी यहाँ के सुहावने मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर मौसम बहुत प्लेजेंट है, आजकल बारिश हो रही है और ठंडक हो गई है और नीचे बहुत गर्मी आए, तो सुना तो ये था कि यहाँ भी कुछ दिन पहले बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन आजकल जब से बारिश आई तो मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है, आजकल ठंडा हो चुका है मौसम, शिमला का मौसम, इसलिए शिमला को टूरिस्ट बहुत आता है घूमने, तो हम इसीलिए आए कि शिमला में मौसम बहुत ठंडा हुआ है, इसलिए घूमने आए। उधर पर्यटन नगरी मनाली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे पर बुधवार से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कुदरत के इस करिश्मे का दीदार करने के लिए पर्यटक रोहतांग दर्रे पर उमड़ रहे हैं। वहीं रोहतांग दर्रे पर पर्याप्त पार्किंग ना होने से सैलानियों व अन्य यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल शिमला की। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल शिमला की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में विख्यात पार्श्व गायक उदित नारायण का जादू सबके सर चढ़कर बोला। जैसे ही उदित मंच पर पहुंचे तो उन्होंने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गीत पेश कर एक के बाद एक हिट गीतों की झड़ी लगाकर ऐसा समा बांधा कि यहां पहुंचे दर्शक झूमने को मजबूर हो गए। आलम यह था कि दर्शक सर्द रात में भी अपनी सीटों पर जमे रहे और कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल शिमला की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में विख्यात पार्श्व गायक उदित नारायण का जादू सबके सर चढ़कर बोला। जैसे ही उदित
मंच पर पहुंचे तो उन्होंने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गीत पेश किया, जिसके बाद एक से एक हिट गीतों की झड़ी लगाकर उन्होंने ऐसा समा बांधा कि यहां पहुंचे दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। आलम ये था कि दर्शक सर्द रात में भी अपनी सीटों पर जमे रहे और कार्यक्रम का खूब लुत्फ लिया। इस बार समर फेस्टिवल में केवल अंतिम संध्या में ही लोगों को सुकून मिला, अन्यथा हिमाचली कलाकारों को समय के अभाव में केवल हाजिरी भर भरने का ही मौका मिला। इसके चलते ये कलाकार प्रशासन से निराश भी दिखे। आइए देखते हैं अंतिम संध्या की कुछ झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। धर्मशाला में सत्ता परिवर्तन रैली के साथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रैली में पार्टी दिग्गजों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी श्याम जाजू ने अलग अलग जिलों में बैठकों का दौर किया शुरू, तो वहीं प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री सुभाष शर्मा ने केंद्र पर लगाया प्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप। खाकी का घिनौना चेहरा फिर आया सामने। शिमला में बेकसूर युवक को शराबी पुलिस कर्मियों ने बर्बर तरीके से पीटा। इस कार्रवाई के खिलाफ जनवादी नौजवान सभा ने चौकी के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। राजधानी में एक बार फिर इंद्रदेव हुए मेहरबान। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तो वहीं रोहतांग दर्रे में भी रुक रुक कर हो रहे हिमपात का नजारा देखने के लिए सैलानियों का लगा जमकर। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200 01772629411। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com। टू बिल्ड अ ट्री फ्रॉम अ सिंगल सीड हुज लीव्स रीच आउट टू द एंटायर स्काई, टू बिल्ड अ फ्यूचर फ्रॉम अ सिंगल माइंड व्हिच रीचेस आउट टू द एंटायर वर्ल्ड एट इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। Programs offered are BTEC, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTEC CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318-797-101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677.